हाँ बच्चों, पिछले भाग में हमने जो पढ़ा था समांतर श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के, तो इस भाग में पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब है जो संयोजन है उनका हम किस प्रकार जोड़ें, संयोजन करें। तो इसके लिए दो क्रम बताए थे, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो इस भाग में, पिछले भाग में हम श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके थे, अब है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या है? प्रतिरोध समांतर है यानी लगातार इस प्रकार, ये हमने बताया कि ये दो समांतर रेखाएं, तो इस प्रकार का प्रतिरोध होगा, ये तीनों समांतर है और श्रेणी में क्या है, ये दोनों श्रेणी में, तो इस प्रकार ये रेखा समांतर क्रम में, तो इस प्रकार तो प्रतिरोध इस प्रकार से जुड़े होंगे। लेकिन एक बात क्या होगी, जुड़े होंगे, ये रेखा क्या है परस्पर, ये प्रतिरोध, ये रेखा है जो एक दो कभी नहीं काटेगी, लेकिन प्रतिरोध है वो क्या है, परस्पर जुड़े हुए हैं, तो एक बिंदु पर क्या है, ये जुड़ जाएंगे, तो ये प्रतिरोध है मान लीजिए, और इस प्रकार इनको हम इस प्रकार जोड़ देंगे। जो प्रतिरोध होंगे वो तो क्या है, ये प्रतिरोध इतना, ये तो होंगे हमारे समांतर क्रम, समांतर परस्पर, और फिर हम अगला जो तार होंगे उसके माध्यम से हम जोड़ देंगे। प्रथम जो समांतर क्रम संयोजन में जो प्रतिरोधों के जो प्रथम सिरे है, प्रथम सिरे वो तो क्या होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं इस बिंदु पर, और दूसरे द्वितीय सिरे हैं वो भी एक साथ जुड़े होते हैं सभी, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है समांतर क्रम संयोजन की, कि इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक साथ जुड़े होते हैं तथा द्वितीय सभी द्वितीय सिरे भी एक साथ जुड़े होते हैं, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। हमारे सिलेबस में तीन और दो या तीन श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का संयोजन हम तीन प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम संयोजन वाला करेंगे, और ये दो आपकी परीक्षा में दो श्रेणी दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को भी पूछा जा सकता है, तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो हम शुरू करते हैं तीन, इसलिए पहले बनाएंगे हम डायग्राम। तो तीन प्रतिरोध लेने हैं हमें, वो तीन प्रतिरोध है कौन कौन से है, तीन प्रतिरोध है R1, R2 और R3, कितने तीन प्रतिरोध है, हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है समांतर क्रम संयोजन में। तो हम इनको लिखेंगे, पहले बड़ा डायग्राम बना देते हैं, ये समांतर, ये समांतर, ये तीन, ये तीनों क्या है, समांतर क्रम है। अब इनको जोड़ेंगे, प्रथम सिरे क्या होंगे, परस्पर जुड़े होंगे, तो प्रथम सिरों को हमने इनके एक साथ जोड़ दिया इस बिंदु पर, द्वितीय सिरे भी एक साथ जुड़े होंगे एक ही बिंदु पर, तो हमने इनके द्वितीय सिरों को भी जोड़ दिया है। इस बिंदु को D से व्यक्त किया है और इनके प्रथम सिरे को A से व्यक्त किया, फिर वही एक बैटरी जोड़ेंगे हम, प्लस सिरा नेगेटिव सिरा, और ये जो कुंजी होगी हमारी के, ये हमारी जो बैटरी है E, इसे V लिख दें, ये कुंजी है जिसको चालू करेंगे, जैसे ही कुंजी चालू होगी इस परिपथ में क्या पड़ेगी, धारा, परिपथ में बहने वाली धारा आई है, आगे जो उदाहरण करेंगे इसमें बताएंगे, परिपथ में जो धारा है वो आई है। अब जो धारा यहाँ जाएगी, यहाँ पर इसको कितने पथ मिलेंगे, तीन पथ, कितने पथ, तीन पथ, ये क्या है R1 R2 R3 तीन ओम प्रतिरोध समांतर, कितने पथ मिले, तीन पथ मिले, तीन पथ मिले, धारा क्या होती है, डिवाइड, अलग अलग होती, डिवाइड हो जाती है यानी बंट जाती है, जितने पथ मिलेंगे उतने ही पथ में धारा हमारी विभाजित हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, तो तीन पथ मिले तो तीनों में अलग अलग मान की धारा जाएगी, I1 I2 I3 जैसे चली गई, और यहाँ पर भी I2 आएगी, यहाँ I1 आएगी, यहाँ I3, तो यहाँ से जो धारा निकले वो क्या होगी, I ही होगी, अर्थात जो हमारे जो दो बिंदु दिए गए हैं ये, इनके मध्य जो विभवांतर होगा
वो क्या होगा, इनके मध्य विभवांतर क्या है, जो वो होगा V, क्या होगा V, क्योंकि सभी प्रतिरोधों है वो सी और डी के मध्य ही जुड़े हैं, तो इनके मध्य जो विभवांतर है V है, जो बैटरी के वोल्टता के बराबर है। धारा प्रत्येक प्रतिपथ में अलग अलग है, तो इसमें क्या है, दो शब्द है जो हमें डिफाइंड करने हैं, विभवांतर प्रतिरोधों का विभवांतर, सभी प्रतिरोधों का विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा, क्योंकि वो केवल दो ही उभयनिष्ठ बिंदुओं से जुड़े हैं, दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के मध्य है, प्रत्येक प्रतिरोध दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के क्या है, बीच में, क्योंकि दो विनिष्ठ बीचों के प्रत्येक प्रतिरोध दो ही बिंदुओं के मध्य, सीडी के मध्य, तो सीडी के मध्य विभवांतर क्या होगा, समान होगा, इसलिए आर वन आर टू आर थ्री तीन के लिए विभवांतर समान, और जो धारा होगी आर वन में जो धारा होगी वो क्या है, उनके लिए क्या है, तीन पथ मिले हैं, तो क्या हो जाएगी, धारा क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग मान की बह सकती है, समान मान की भी बह सकती है, लेकिन जो धारा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी समान नहीं होगी, ये हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, अलग अलग होगी ये बात। अब धारा है वो R1 में अलग, R2, R3, R1 में जो धारा बहेगी वो I1 होगी, R2 में जो धारा होगी I2, R3 में I3, और टोटल परिपथ में जो धारा होगी वो I होगी। तो ये हमने देख लिया कि विभवांतर तो समान रहेगा प्रत्येक प्रतिरोध के, लेकिन जो हमारा क्या होगी धारा वो अलग अलग होगी, क्योंकि विभवांतर तो क्या बिंदुओं पर निर्भर करता है, और सभी प्रतिरोध दो विनिष्ठ बिंदुओं के बीच स्थित। अब बात आती है हम जो अलग अलग क्या है, अलग क्या है हमारी, अलग क्या है, अलग अलग क्या चीज़ है, धारा। तो हम फोकस करेंगे सिर्फ धारा पर, धारा ज्ञात करें, ओम का नियम है वो, ओम्स ला, ओम का नियम, ये ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आ रही, हमें सिर्फ I ज्ञात करनी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V ओम। अब जो हमें फोकस करना है धारा पर, हमें धाराओं का मान ज्ञात करना। अब एक चीज और देख लिए, परिपथ में जो धारा है वो I है, और डिवाइड होती है धारा तीन पथ में I1, I2, I3, फिर आगे जाती है तो भी वो क्या आती है, I होती है। तो I धारा क्या है, आवेश, आवेश के प्रवाह की दर ही धारा है, तो आवेश क्या है, संरक्षित रहते, आवेश संरक्षण का नियम, जो आप उच्च कक्षा में विस्तार से अध्ययन करेंगे, आवेश संरक्षण का नियम, तो आवेश संरक्षित होते हैं, सो जो धारा होगी वो भी क्या होगी, क्या होगी, निश्चित होगी, फिक्स होगी, वो चेंज नहीं होगी, ना तो नष्ट होगी कह सकते हैं एक तरीके से। तो धारा है जो आवेश संरक्षण के कारण क्या होगी, धारा का जो टोटल मान है वो सेम रहेगा, चाहे वो यहाँ पर हो, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर जो धारा है, कुल धारा वो क्या होगी, समान होगी। तो I जो क्या है, परिपथ में धारा है वो क्या है, तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, तो इन तीनों के योग के बराबर होगी, I1, I2, I3। तो ये बात। अब हमें जो मान ज्ञात करना है वो आई का मान ज्ञात करना है, आई ए वन ए टू ए थ्री, ए वन ए टू थ्री का मान ज्ञात करेंगे ओम के नियम से। तो ए वन का मान ज्ञात करने के, आई वन का मान ज्ञात करने के लिए आर वन में धारा, अगले जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें यही ऐसा ही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला यूज होगा। आई वन, आई वन क्या है, विभवांतर और प्रतिरोध, प्रतिरोध तो है आर वन, कोई बात, विभवांतर क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्या है, समान है, तो R1 पर जो विभवांतर होगा वो CD के मध्य विभवांतर है के बराबर होगा। CD के मध्य जो विभवांतर है वो क्या है, V, जो कि बैटरी की वोल्टता है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा V पोन धारा होगी, V पोन R। इसी प्रकार जो R2 में धारा होगी, R2 में धारा वो I2 होगी, V पोन R2। अब है R3 में जो धारा होगी वो होगी I R3 अपॉन V अपॉन R3। ये हमने क्या ज्ञात कर ली, R1, R2, R3 तीनों के मान ज्ञात कर लिए हैं इस सूत्र की सहायता से। अब बात आती है परिपथ की धारा,
क्या होनी चाहिए। अब हमें जो ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या अर्थ है? इन तीनों प्रतिरोधों को एक ऐसे प्रतिरोधों से क्या करें, सी डी के मध्य स्थित तीनों समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों को, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों को एक ऐसे प्रतिरोध जिसे तुल्य प्रतिरोध कहते हैं से क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित क्या करते हैं, करते हैं। समांतर क्रम संयोजन में जुड़े तीनों प्रतिरोधों को एक ऐसे प्रतिरोध आर से प्रतिस्थापित करते हैं जिससे परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो क्या हो, नो चेंज, न बदले, न बदले, धारा भी नहीं बदलनी चाहिए। और जो प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता है, सिरों पर जो विभवांतर कह सकते हैं, विभवांतर है, वो भी क्या होना चाहिए, हमारा समान होना चाहिए, वोल्टता चेंज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इन सी डी के मध्य प्रतिरोध जोड़े किस प्रकार, सी डी के मध्य एक ऐसा प्रतिरोध का संयोजन करेंगे जिसे परिपथ में बहने वाली धारा समान नहीं, वो प्रतिरोध है हमारा आर वन। क्या है हमारा आर वन, ये हमारा आर है, ये सी डी बिंदु है और इसके साथ हमने इसको बड़ा डायग्राम बना लेते हैं। सो क्या होगी हमारी, कुंजी, ये छोटा डायग्राम बनाया है लेकिन आपको बड़ा डायग्राम भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल V, सी डी के बीच जो वोल्टता होगी वो V के बराबर होगी, विभवांतर होगा, और परिपथ में जो धारा होगी वो I होगी, इसमें भी क्या जाएगी, I जाएगी। तो ये क्या है, R तुल्य प्रतिरोध है। तो R का मान ज्ञात, तो R का मान ज्ञात करेंगे तो R में जो क्या होगी, धारा R में धारा वो क्या I है, वो क्या इसके बराबर होगी, विभवांतर कितना है, V ही है, और प्रतिरोध R है तो जो I का मान होगा V अपॉन। अब इस समीकरण में I, V, I का मान हमें पता है, हमें B का मान हमें पता है, I1, I2, I3 का मान पता है, तो इस समीकरण में हम उनको पुट करेंगे, रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, I1 का मान V upon R, जहाँ R तुल्य प्रतिरोध है, I1 का मान V upon R1, V upon R2 plus V upon R3। अब है V उभयनिष्ठ है तो V को हम क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ होने के कारण क्या ले लेंगे, इन सभी से कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, उभयनिष्ठ होने के कारण इस प्रकार लिख सकते हैं। अब ये चीज है, अब क्या करते हैं, अब V से V का हम डिवाइड करते हैं, इसमें V पॉन V एक बटे आर वन प्लस एक बटे एक बटे वी का वी डिवाइड करेंगे, वी से वी को डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, तो एक बटे आर, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस, ये समीकरण प्राप्त। इस समीकरण को आगे भी हल करेंगे और इसका जो महत्व समझेंगे, क्या महत्व है, हम महत्व समझे, तो जो है आर आ गया एक बटे एक को क्या लिखते हैं, हम ए इनवर्स लिखते हैं, तो इस प्रकार इसको इनवर्स के रूप में लेंगे, इनवर्स लिखेंगे अर्थात प्रतिलोम कहेंगे या व्युत्क्रम कहेंगे, ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ए इनवर्स यानी ये, तो इसी प्रकार इसको किस प्रकार लिखेंगे, आर इनवर्स और R1 इनवर्स प्लस R2 इनवर्स प्लस R3 इनवर्स, एक तो ये समीकरण जिसका हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे जो एक महत्वपूर्ण चीज है। अब इस समीकरण को क्या करते हैं, हम हल करते हैं, क्या हल करते हैं, तो एक बटे R है, इस समीकरण को हल करने के लिए क्या लेंगे, LCM, एलसीएम न लें तो क्या है, प्रत्येक समीकरण को R1, R2, R3 जो हम हर है नीचे का
उसको इस प्रकार बनाएंगे R1, R2, R3। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको R1, R2, R3 के रूप में बनाने के लिए एक R1 तो है ही पहले से मौजूद, लेकिन क्या नहीं मौजूद, R2, R3। इसको R2, R3 से क्या कर देंगे, R1 तो है ही हमारा 1/R1, इसको R2 एक क्या करना है, R1, R2, R3 तीनों में चेंज, तीन पद लाने, लेकिन R1 तो है, तो क्या करेंगे R2, R3 से गुणा करेंगे, R2, R3 चाहिए। और नीचे दे दिया तो इसके लिए हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा R2, R3। इसी प्रकार अगला जो हमारा वो क्या है, 1/R2 है, इसको भी इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है, R2 तो पहले से मौजूद, R1 मौजूद नहीं है, और क्या नहीं, R3। तो क्या करेंगे, इसको R1 से गुणा कर देंगे और R3 से, ऊपर भी क्या करेंगे R1 और R3 से, ये हो गया। अब आगे क्या है, 1/R3, तो 1/R3 है तो इसमें क्या नहीं है, R1 R2 नहीं है, तो R1 इंटू R2 से गुणा, ऊपर भी यही चीज़ होगी, R1 इंटू R2, ये चीज़ आ गई। अब नीचे देखिए, समान चीज़ नहीं है क्या, एक समान चीज़ नहीं है, है तो इसको क्या ले लेंगे, विनिश ले सकते हैं, या कह सकते हैं सीधा ही LCM ले लिया, यही आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, R2 प्लस R3 या R1 प्लस R3 प्लस R1 प्लस R3। अब 1/R है, अब करते हैं इसका हम वज्र गुणा कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन वज्र गुणा या कहेंगे पक्षांतर करते हैं, क्या है जो R है उसको क्या भेजते हैं, इधर साइड ऊपर, क्या भेज देते हैं, इधर साइड ऊपर, जो R के ऊपर जो एक है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो ये है गुणा में था वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इस साइड, 1/1 R2 R3 आ जाएगा, 2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R3, तो ये क्या आ जाएगा, R। तो अब इसको हम पूरा रूप से लिखते हैं, पूरी विस्तृत रूप से अच्छे से, R बराबर क्या आ जाएगा, R1 R2। नीचे लिखने वाली चीज़ का एक क्रम होता है, R1 से R2 के रूप में, R2 से क्या जाएंगे, R3, और R3 से जाएंगे R1। सभी देखिए, R1 1 2 है, ये देखिए 2 3 2 3 है, 3 1, यहाँ पहले लास्ट वाला 3 है, 1 तो एक ही चीज़ है, तो ये इसका क्या जाएगा वीडियो। अब इसका R का प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, ओम होना चाहिए, यहाँ पर ये देखेंगे कि है क्या नहीं, R ओम इंटू ओम इंटू ओम, तीन प्रतिरोध है तो ओम तीन बार गुणा है, ओम इंटू ओम इंटू ओम, यानी ओम की क्यूब कह सकते हैं। जोड़ से प्रति जो मात्रक है वो चेंज नहीं होता, जोड़ करने पर इसमें क्या है, ओम इंटू ओम ओम इंटू ओम, आगे भी क्या है, प्लस ओम इंटू ओम प्लस ओम इंटू, तो ओम इंटू ओम ये प्लस सैमसंग क्या है, जैसे रुपए में रुपए जुड़ेंगे, पैसे में पैसे जुड़ेंगे, उसी प्रकार ओम इंटू ओम यानी ओम स्केयर में ओम स्केयर जुड़ेंगे, तो ये क्या है, इनका मात्रक एक ही रहेगा ओम स्केयर, तो ओम स्केयर से दो ओम स्केयर कट जाएंगे, दो कट जाएंगे, बच जाएगा क्या ओम, तो अर्थात इसका भी मात्रक जो मात्रक होगा वो ओम ही आएगा, कोई और नहीं। ये चीज़ हमारी आ गई, ये जो हमारा फॉर्मूला ज्ञात किया बड़ा इजी है, और ये दो चीज़ प्राप्त हुई हमारे अभी तक। अब दो प्रतिरोध हो, सिर्फ टोटल हैं केवल और केवल दो प्रतिरोध, R1 R2 जैसे, अब तो किस प्रकार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, a/R 1 R1 प्लस a/R2। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको दो ओम के प्रतिरोधों को ज्ञात करना हो तो क्या कर देंगे, I3 को गायब कर देंगे, यहाँ पर ये तीसरा प्रतिरोध गायब कर देंगे, ये तो यहाँ पर ये R3 का जो तीसरा प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा हमारा, तीसरा प्रतिरोध
क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तीसरा ये हमारा गायब हो जाएगा, सिर्फ दो ही आएगी, इसमें भी तीसरा गायब हो जाएगा, ये भी तीसरा गायब। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा ये। इसको किस प्रकार लिखेंगे, a बटे r1 a बटे r2। अगर अन हो तो अन बार चलता रहेगा अंत तक, ये आ गया। इसका योग उसी प्रकार करेंगे, नीचे क्या बनाएंगे, जितने प्रतिरोध उनका गुणा आर वन आर टू। तो इसमें क्या है, किसकी कमी, आर टू की कमी है, तो आर टू से गुणा भाग, गुणा कर दिया ऊपर नीचे दोनों तरफ। यहाँ आर वन की कमी है आर वन, तो नीचे क्या आया लघुत्तम आर वन आर टू आ गया, क्योंकि दोनों में समान है। ऊपर क्या, आर टू प्लस आर, आर का मान क्या आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो आर वन इंटू आर टू, पहला वाला योग प्लस इंटू टू, ये आ जाएगा। ये दो प्रतिरोधों के लिए है। अब ये तीन चीज समीकरण प्राप्त हो गई है, एक चीज और, जो R का मान है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रतिरोध है वो क्या होगा, पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जितना यह अर्थात R का मान है वो क्या होगा, सबसे कम प्रतिरोध होंगे, सबसे कम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है सबसे अधिक, इसमें R1 का जो मान, R का मान है वो R1 से क्या है, कम है। R का मान क्या है, R2 से कम है। R का मान क्या है, R3 से। और इसमें हमने जो चीज़ देखी वो क्या देखी, समान विभवांतर, विभवांतर बढ़ता नहीं है, डिवाइड नहीं होता। तो समान विभवांतर होगा तो अगर हमें कहीं उच्च विभवांतर प्राप्त करना है तो प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार करेंगे, हमें उच्च विभवांतर प्राप्त करेंगे तो प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में करेंगे। अगर हमें धारा क्या चाहिए, कम मान की धारा चाहिए, तो धारा है हमें वो एक कम मान की चाहिए, तो उसके लिए करेंगे। क्यों, क्योंकि जो अलग अलग परिपथ है इसमें हमें कम हो जाएगी धारा, R1, R2 अलग अलग प्रतिरोधों में धारा कम हो जाएगी। टोटल धारा भले ही अधिक हो लेकिन कुल धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ है हमारी। अब ये चीज़ है इनवर्स, ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध का इनवर्स, ये क्या है, प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय तृतीय प्रतिरोध का व्युत्क्रम या इनवर्स कह सकते हैं। तो इस चीज़ को किस प्रकार शब्द रूप में दें, शब्द रूप में लिखें, देखिए इस ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम बराबर, ये कितने, तीन ही प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोधों का व्युत्क्रमों का, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का योग, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का क्या योग है, क्या है, सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम का, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो सभी प्रतिरोध होंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोधों प्रतिरोध है उसका जो व्युत्क्रम है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, और इससे प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, हमारा जो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अलग अलग प्रतिरोधों से कम हो जाएगा। तो ये तो हमारा समांतर क्रम संयोजन के बारे में हो गया, प्रतिरोध को कम कर देगा। अब अगले भाग में हम जो पढ़ेंगे इनके आपके पाठ्यपुस्तक के न्यूमेरिकल नंबर 5 जो समांतर क्रम संयोजन से जुड़ा हुआ है, और न्यूमेरिकल नंबर 6 जो समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम दोनों संयोजन से जुड़ा है। तब तक के लिए आप अलविदा। आप इस वीडियो के साथ साथ आपकी पाठ्यपुस्तक में हर चीज़ दी है उसको एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, इतना हार्ड टॉपिक नहीं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, और ये बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा आपको। देखना समांतर क्रम में होता क्या है, विभवांतर और धारा परी, और जो अगर विभवांतर धारा अलग अलग होगी तो ऐसी समीकरण बन जाएगी, विभवांतर अलग अलग होगा यहाँ V1 V2 आ जाएगा, और आपको लगाना है सिर्फ ओम का नेम और इनका योग, और जो कॉमन आएंगे वो कट जाएंगे। तो ये चीज़ थी आज के टॉपिक में, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो हमने पढ़ लिया है, कंप्लीट हो गया है।
न्यूमेरिकल अगले भाग में कर लेंगे और इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो आप अपनी पाठ्यपुस्तक के साथ जो आपकी बुक है उसका अध्ययन करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही सरल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अलविदा कहते हैं और आपको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई हो।